गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन सॉफ्ट स्किल्स विच इज पेपर ऑफ DSC 303 वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सर्टन कंसेप्ट्स. दीज कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ आर्स. इट वॉज टीम वर्क. वॉट इज टीम वर्क एंड हाउ कैन वी अचीव आर गोल्स और हाउ कैन यू नो एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स थ्रू टीम वर्क. इन पर्सनल लाइफ टीम वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफेशनल लाइफ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट हेयर वी आर फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन प्रोफेशनल लाइफ. देन वी डिड इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो वेयर टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. इट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. अर्लियर इट वॉज नॉट फाउंड. इट वॉज नॉट वेरी कॉमन. पीपल दे बिलीव लाइक यू नो टास्क इज असाइन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और वो काम होना चाहिए. लेकिन नाउ वट वी फील लाइक एम्पैथी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ यू नो विच इज़ अ मेन थिंग इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. इफ यू आर एम्पैथेटिक मीन्स यू आर बाउंड टू बी वेरी सक्सेसफुल. अगर आप दूसरे की प्रॉब्लम को फील कर रहे हो, उसको स्पेस दे रहे हो, तो वॉट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन. यू आर गिविंग अ स्पेस टू दैट वेरी पर्सन फॉर ग्रोथ एंड यू आर गिविंग स्पेस टू योर ग्रोथ ऑल्सो. और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में आप हेल्प कर रहे हो. देन नेक्स्ट ऑफ आर कंसेप्ट इट वॉज ऑफ अडेप्टिबिलिटी. अडेप्टिबिलिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस थ्री इन डिटेल. अडेप्टिबिलिटी इज अ वे हाउ डू यू अडेप्ट यूर सेल्फ. अपने आप को कैसे एडजस्टमेंट देते हो. सपोज यू आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली बट यू हैव बीन पुट इन अ सिचुएशन वेयर हैव टू लीव योर बेड एट 4 o'clock. आपकी हेल्थ पे कुछ ऐसा इशू आ जाता है या डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, आपको इस तरह का काम है कि आपको जॉब ही इस तरह की मिलती है, एट 6 यू हैव टू बी देयर. सो वट यू हैव टू डू. इफ यू आर अडेप्टेबल यूल एडजस्ट एंड यूल अर्न योर लर्न ऑल्सो. लेकिन इफ यू आर नॉट अडेप्टेबल, आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ डायनासोर्स. दे डिडंट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट. दे आर एक्सटिंक्ट नाउ. आज जितनी भी चीज़ें एक्सटिंक्शन के वर्ज में हैं, वो टाइम के साथ खुद को नहीं बदल पाई. वो चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो पर्टिकुलर स्पीसीज क्रिएचर्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. सम ऑफ द पीपल सपोज दे हैव सपोज अ पर्सन इज ट्रांसफर टू साउथ इंडिया एंड देयर ही डजन लाइक टू टेक राइस. इन साउथ इंडिया यू वॉन्ट फाइंड चपाती विच इज़ मेड अप ऑफ यू नो वीट फ्लावर और कॉर्न फ्लोर की बनी हुई. वो चपाती तो मिलेगी नहीं. ए पर्सन वुड बी अडेप्टेबल. वो एडजस्टमेंट देगा अपने आप को धीरे 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 बिकॉज ही नोज ही हैज़ टू बी वेरी सक्सेसफुल. और वहाँ का जो उसका स्टे है वो उसको करियर में बूस्ट देगा. लेकिन देर आर अदर टाइप ऑफ पीपल. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास दो ऑप्शन लाइफ में हमेशा खुली रहती हैं. वन इज़ टू मूव अहेड एंड अदर वन इज़ टू क्विट. तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल गो विद द वन ऑप्शन ओनली. एक ऑप्शन रखो दैट आई हैव टू मूव अहेड. मुझे आगे निकलना है और सक्सेसफुल होना है. दूसरे ऑप्शन को बंद करके चलो. बिकॉज जब तक आपके अंदर वो जेल नहीं होगी काम करने की, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस. आज सुबह ठंड थी, उठ नहीं पाए, रात को खाना खाया था डाइजेस्ट नहीं हुआ, सुबह घर में गेस्ट आ गए, घर में प्रॉब्लम थी. लार्ज नंबर एट लीस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस इज देयर. लेकिन अगर आपको कोई काम करना है डेडिकेशन से, एक ही रीज़न काफ़ी है कि करना है तो करना है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अडेप्टेबिलिटी. अपने आप को एडजस्टमेंट देना. फाइन. आई एम गिविंग माय एग्जांपल. आई डिडंट लीव माय बेड टू अर्ली. नाउ डेज आई लीव माय बेड एट 4:30 बिकॉज आई हैव टू मेक वीडियोज ऑल्सो. दिन में बाहर शोर होता है. तो वो सारा काम जो है, अगर आप अडेप्टेबल नहीं हो, आप एडजस्टमेंट नहीं दे रहे हो, तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ बींग सक्सेसफुल इन योर लाइफ. Change is the law of nature. You have to change yourself. It's very, very simple. It can be your professional life. It can be your personal life. Large number of changes that take place in our life. Or adaptability is very, very important. And one thing I have told you earlier also, ki you have to be a very good listener. Value of silence. Aap sab ne padha hai first year mein chapter. Which was written by Mahatma Gandhi ka jo chapter tha. Usme kya bataya tha ki if you... What people believe, they feel like I have to speak because I don't have any other option. But you have large number of options. You can just keep quiet, you can listen to the person who is speaking, you can just understand what is being spoken and then you can react accordingly. But hum mein utni patience nahi hoti. Maximum feel like you know, whatsoever is inside me, I need to vomit it out. Seedhe seedhe bahar nikalna hai, whether I am being listened to or someone is understanding me. और मैं कंसेप्ट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपने, मैं आपको फिर वही एग्जांपल्स दूंगी. ड्यूरिंग इलेक्शन जो है, ये चैनल्स वाले 4-5 पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाते हैं. देर गिवन 2 मिनट्स. सो फर्स्ट वन इज़ गिवन 2 मिनट, ही इज़ स्पीकिंग और शी इज़ स्पीकिंग. देन वो उसको पॉज पे डाल के सेकंड वाले को बोलते हैं. उसके 2 मिनट्स भी वो फर्स्ट वाला लेता है. कीप्स ऑन स्पीकिंग विदाउट नोइंग कि उसको म्यूट कर दिया गया है. सो दिस थिंग कीप्स ऑन moving ahead at times. They take 10 minutes in every meeting.
people, they receive, you know, slips related to the request that I need more time to speak. That is not very important. Your speaking is not very important. You have to be a very good listener if you want to be successful. Group discussion का हम लोगों ने किया है, जैसे business communication में. तो what is it? Is you have to be very good listener before you are reacting. React करने से पहले एक अच्छा listener बनना ज़रूरी है. जो आप सुनते हो, जो आप receive कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए पहले रिएक्ट कर दिया उसके बाद यू आर थिंकिंग कि व्हाट्स एवर आई डिड इट वाज रॉन्ग. यू नीड टू थिंक फॉर अ वाइल बिफोर स्पीकिंग. वेदर ऑल WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे नीड टू बी इंक्लूडेड देयर, लाइक व्हाई डू आई नीड टू स्पीक, व्हेन वुड आई स्पीक, व्हाट इज़ द नेसेसिटी एंड व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ स्पीकिंग. ये सारे के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई आपके पास होना ज़रूरी है. नो वन ऑफ आर चैप्टर इज डील्स विद प्रॉब्लम सॉल्विंग. इंटरव्यू स्किल्स का आई ऑलरेडी सेंट यू वीडियो. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू गेट ड्रेस्ड अप टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू और इंटरव्यू की जो इंटरेक्शन है ये किस तरह की होनी चाहिए, एक जेन्युइन डिस्टेंस क्या है. मैनी पॉइंट्स ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वीडियोज विच आई सेंट यू अर्ली. वट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग. डू यू थिंक दैट प्रॉब्लम्स दे रियली come in our life to break us? They create actual, they why do they come to our life? ये एक vital question है. They come to our life because we have a capability to solve them. Very simple. Everyone faces problem, but every problem has a solution. It depends on you, how do you want to take. If you are feeling like I am overburdened, I don't have a solution, you are not thinking of in terms of solution, to solution to kabhi milega hi nahi. Main aapko fir John Milton ka example quote karungi. He lost his eyesight at a very tender age. He read a lot and he absorbed the knowledge of large number of subjects and large number of languages. लेकिन जब वो मोमेंट आया ना एक एपिक लिखने का, विच वॉज हिज ड्रीम, वो अपने सपनों के लिए जीने वाले थे. ही लॉस्ट हिज आई साइट. अंधे होने के बावजूद उन्होंने, ही डिडंट गिव अप, ही नेवर थॉट ऑफ गिविंग अप इन हिज लाइफ. ही गॉट मैरिड 3 times. वाइफ छोड़ के जाती रही बिकॉज दे बिलीव्ड कि एक ब्लाइंड फेलो के साथ लाइफ नहीं चलेगी. लास्ट टाइम ही मैरिड विद अ कंडीशन दैट व्हाट्स एवर आई विल से आई विल हैव टू राइट इट डाउन. सब कुछ उनकी वाइफ ने लिखा है, बट दैट वॉज हिज ड्रीम, ही फॉलोड दैट ड्रीम. देन यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. आपने सेकेंड ईयर में चैप्टर पढ़ा है द पावर ऑफ प्रेयर. यू नो वेल विच टाइप ऑफ लाइफ ही लिव्ड एंड विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ही फेस्ड इन हिज लाइफ. लोग जो है ना, इफ़ यू फील लाइक विल बी गिवन यू नो वेरी हेल्दी एंड कोर्डियल एनवायरनमेंट, अरे कर लोगे, दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट यू वॉन्ट गेट इन योर लाइफ. पीपल आर वेरी सीवियर क्रिटिक्स. People, they believe in dragging others down. जो एक crab mentality होती है, जो केंकड़ा अगर आप देखोगे ना, अगर एक बकेट में पड़े हैं ना, तो क्या होगा, जैसे एक केंकड़ा ऊपर जाने लगता है, दूसरा उसको नीचे खींच लेता है. सो दैट टाइप ऑफ मैंटेलिटी पीपल हैव. सो वॉट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू डिवेलप आर ओन वे ऑफ थिंकिंग. इफ प्रॉब्लम इज़ देयर, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम इज़ देयर बिकॉज आई एम देयर टू सॉल्व इट. मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम है, आई सॉल्व इट. वेरी सिंपल. What do? We keep on discussing outside. Outside people, they don't know what our real situation is. This situation में मैं हूँ, जो मेरी problem है वो सिर्फ मुझे पता है. So why should I ask all people outside? अरे ऐसे हो गया, मुझे solution दो. आप problem उनको present वाली बता रहे हो, उस problem से connected और कितनी चीज़ें हैं आपने वो तो बताई नहीं, और वो हम बता भी नहीं सकते, they are very personal. So what do you need to do? You need to find out a solution to the problem because you have the capability of solving the issues. सीधी सी बात है, problems are given to those who have a capability. So we'll go through the chapter which deals with problem solving. आपके कुछ एक जो important topics इसमें cover किए गए हैं, one is defining a problem, other one is generating alternatives, evaluating and selecting alternatives and implementing solutions. First of all, problem defining is very very important. You must know if a problem is there. First our reaction, अरे problem आ गई. It is it is a very common reaction and it means something difficult. Problem means something difficult. आपकी ज़्यादा energy लेगी, आपका thought process उस तरफ जाएगा, थोड़ी life भी disturb होगी, फिर क्या होगा.
इट क्रिएट्स एंगजाइटी, इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, इट क्रिएट्स टर्मोइल इन आवर माइंड. अब क्या करें, सडन क्या होता है, वी फील अपसेट. इन नॉट शेल इफ वी फील इफ अ प्रॉब्लम इज देयर देन वी फील अपसेट, बट इट रेफर्स टू अ सिचुएशन विच नीड्स अ सॉल्यूशन. सीधी सी बात है, समथिंग इज देयर जिसको सॉल्यूशन की ज़रूरत है. जहाँ हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे वो एक प्रॉब्लम है, वेरी सिंपल. एंड वॉट इज़ द नीड ऑफ द आवर, वॉट डू वी नीड टू डू. एंड इन जनरल पीपल दे फील एंग्शियस, एंग्जाइटी होती है उनको, डिस्टर्बेंस होती है, दे वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन. पहला क्या होता है, भाग जाओ. लेकिन वी कॉन्ट रन अवे फ्रॉम आर लाइफ, लाइफ से भाग नहीं सकते, प्रॉब्लम को छोड़ नहीं सकते, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा. सो देर इज़ अ सेइंग, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे. स्कूल में एक स्टोरी पढ़ी थी ना थर्स्टी क्रो की, इट इज़ लाइक दैट. प्रॉब्लम वॉज देयर विद द क्रो, पिक्चर ऑफ द क्रो हैड लीस्ट वाटर. सो वॉट डिड द क्रो डू, इट पिक्ड अप यू नो स्मॉल पेबल्स, बड़े मेहनत से पेबल्स डाल के वो पानी को ऊपर तक लाया. एट लास्ट इट एन्जॉयड वाटर. तो वॉट इज इट, इट इज़ अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे. ये पता नहीं कितने लोगों को मोटिवेट कर चुके. सो वी नीड टू लुक एट प्रॉब्लम इन अ वेरी पॉजिटिव वे इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एंग्शियस. सो आर माइंड नीड्स टू बी वेरी कूल काम, ओनली देन वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन. डिस्टर्ब्ड माइंड से सोल्यूशन नहीं मिलता है. जो वैल्यू ऑफ साइलेंस है वो यहाँ आके भी कहीं कनेक्ट होता है कि वेन एवर यू आर डिस्टर्ब, जस्ट क्लोज योर आइज एंड सिट कामली, शांति से एक जगह बैठ जाओ, यू विल फाइंड सोल्यूशन. क्योंकि वहाँ आपका अपने साथ कम्युनिकेशन होता है, यू कम्युनिकेट विद योर ओन सेल्फ एंड यू आर द ओनली पर्सन हु कैन फाइंड सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. किसी और को आप क्या बताओगे. प्रेजेंट की प्रॉब्लम है ना, उसके साथ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पास्ट आर एसोसिएटेड, उसका सोल्यूशन भी आपके पास है. सो वी नीड टू बी वेरी यू नो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच इज रिक्वायर्ड. एंड द मेन फीचर इज नीडेड, दैट इज इंटेलेक्चुअल थिंकिंग पावर. अगर आप इंटेलेक्चुअली सोचते हो, प्रैक्टिकली सोचते हो, तो क्या होगा, यू विल गेट अ सोल्यूशन. इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग प्रैक्टिकली, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो प्रॉब्लम के बाद एक और आ जाएगी, फिर एक और आ जाएगी, आप भागोगे तो आगे कोई और समस्या खड़ी होगी. एट टाइम्स सम प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल, वी सॉल्व देम इजिली. एट टाइम्स सम प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लिकेटेड, दे टेक आर टाइम, दे टेक आर एनर्जी, द टेक आर थॉट प्रोसेस विद देम. सो दे डिस्टर्ब आर शेड्यूल, दे डिस्टर्ब आर रूटीन, एंड पीपल डोंट वॉन्ट टू फेस द प्रॉब्लम्स. इट इज़ वेरी ट्रू, वो भागना चाहते हैं, बट इट्स नॉट अ सोल्यूशन. एस्केपिज्म इज नॉट अ सोल्यूशन. यू हैव टू फेस, यू हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन, यू हैव टू थिंक ओवर द थिंग एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन, इम्प्लीमेंट इट. एंड देर आर सर्टन स्टेप्स विच आर नेसेसरी इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन अ प्रॉब्लम. आपको नेचर ऑफ प्रॉब्लम को डिफाइन करना है. प्रॉब्लम किस टाइप की, ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉब्लम है तो किस टाइप की प्रॉब्लम है, किस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है. मान लो सडन जो है वो सर्टन एम्प्लॉयज़ दे डिसाइड टू लीव देयर जॉब्स, तो आप क्या गुस्से में कि निकल जाओ. हाउ इट बी पॉसिबल, एक ट्रेंड एम्प्लॉयज़ का एक सेट आपका इंस्टीट्यूशन छोड़ के जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, जो ट्रेंड थे, जो अपना 100% दे रहे थे, तो प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई. नो वॉट यू हैव टू डू, यू नीड टू टॉक टू देम. वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है, one needs to be very comfortable, one needs to be very relaxed, and it should not be like a leader, should be like a person who wants to solve the problem. जब बैठ के बात करेंगे, you'll come to know what is going on in their mind. When it comes to you कि चल क्या रहा है या वो किस वजह से जा रहे हैं, so certain steps can be taken जो organization के end पे possible है, वो steps लिए जा सकते हैं. उन लोगों को किसी हद तक रोका जा सकता है. सब नहीं रुकेंगे, कुछ तो बात मान लेंगे ना, क्योंकि उनको वो चीज़ ऑफर की जा रही है जो लैक कर रही है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किस वजह से प्रॉब्लम है, और उस चीज़ को हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है. एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज़ वेरी टफ जॉब. आइडेंटिफिकेशन ही तो टफ है, क्योंकि पीपल वॉन्ट रिवील देमसेल्व्स. एक्चुअली कोई भी इशू है ना, वो सडन नहीं रिवील होता है, उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं. एक मिस्टेक के फर्दर कितने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दे आर देयर. एक प्रॉब्लम है
किस वजह से अराइज हुई है वो अकेली नहीं है, उसके साथ और भी बहुत कुछ रहता है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द कॉज बिहाइंड द प्रॉब्लम। जब कॉज फाइंड आउट होगा रेमेडी तभी होगी। इफ़ यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर एंड यू आर सेइंग आई हैव अ टूथ एक और हेड एक है आपकी, तो वो तो दवाई तो वो टूथ एक ही देगा ना, तो हेड एक कैसे ठीक होगी। सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट दैट वेरी थिंग विच इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करोगे। हाउ कैन वी जनरेट ऑल्टरनेटिव्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है, सर्वे हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि मान लो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज इज विलिंग टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या कर सकते हो, सर्वे करवा सकते हो आउटवर्डली, मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट के बिना एक सर्वे करवाया कि वाई आर द डिससेटिस्फाइड, और जो बेसिक कम्युनिटीज फैसिलिटीज़ हैं जो उनके साथ कमिटमेंट्स होते क्या वो पूरे हो रहे, वो नहीं हो रहे। या फिर हम डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है, हम ग्रीवियंस इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह से हमें उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। और वैसे भी ऑल्टरनेटिव जनरेट करने के लिए कम्युनिकेशन से बेस्ट मेथड और कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हम सेट कर लेते हैं कि हमने किन चीज़ों पे वर्कआउट करना है, फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ प्रॉब्लम है, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। सो फॉर दीज आर सर्टन स्टेप्स व्हेन यू आर जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद व्हाट डिड यू डू, लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनके साथ प्रॉब्लम है, फिर आपने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया कि ठीक है इन लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि वो स्टेप्स ढूंढे जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। इट्स वेरी सिंपल, इवेल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब ऑल्टरनेटिव्स को आपने कैसे सेलेक्ट करना है, आफ्टर जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स वी इवेल्यूएट देम। ऑल्टरनेटिव तो आ गए हमारे पास, मान लो दो तीन चार ऑल्टरनेटिव मिल गए, इवेल्यूएशन करके उसका बेस्ट निकालना है, बिकॉज एवरी थिंग हैज़ इट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव विद इट। सो इंटरमीडिएट डिसीजन डेडलाइंस आर इवेल्यूएटेड, ऑपरेशनल कॉस्ट्स दे आर इवेल्यूएटेड, कि कितना पैसा खर्च होने वाला है इन चीज़ों को बेटर करने के लिए। उसके बाद सॉल्यूशन, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऑल्टरनेटिव आपके पास आता है उसके एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसको अप्लाई करने से पहले वी नीड टू गो थ्रू देम, उनको हमने स्टडी करना है। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा जो है वो ऑल्टरनेटिव फिजिबल है, जो हमें बेस्ट पे करेगा, जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा और हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा, हमें उस तरह से जाना है। उसके बाद आप सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट, पहले प्रॉब्लम डिफाइन की, फिर ऑल्टरनेटिव्स जनरेट किए, उसके बाद हमने ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी किया, उसके बाद हमें अब सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना है। अब हमें ये पता चल चुका है कि पर्टिकुलर ट्रैक पे चल के हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। सो वी नीड टू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग एंड इवेल्यूएट ईच एंड एवरीथिंग बिफोर गोइंग फॉर सॉल्यूशन। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी फॉलो, एंड इसमें देयर आर सर्टन पॉइंट्स, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यू नीड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, एंड देन यू नीड टू मोनिटर द एक्शन, मोनिटरिंग ऑफ एक्शन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन यू हैव टू रिव्यू द सक्सेस ऑफ द प्लान विच इज़ गिवन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रैटेजी बनानी ज़रूरी है, उसके बाद आपका एक्शन आफ्टर इम्प्लीमेंट, आपने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया उसके बाद एक्शन, और उसके बाद जो है रिव्यू करना है आपने सक्सेस को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल डिस्कस सम अबाउट यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। गुड डे।